सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। सो द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि मैं बहुत टाइम से सुन रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने का बहुत टाइम से सुन रहा, लेकिन मेरे को फैक्ट्स नहीं मिल रहे थे एक्चुअली। और मैंने 10 दिन लिया क्योंकि टू बी फ्रैंक लोग उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं क्या बोलूँ मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि SRK अटली फिल्म के ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है कमेंट सेक्शंस में भी बहुत लोग पूछते कि भाई क्यों, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या है वो फिल्म, वो एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा, कन्फर्म बनाऊँगा आज या तो कल के अंदर बनाऊँगा। तो वो सबको साइड करो, वो क्यों नहीं वो मैं बाद में बताऊँगा। वो नहीं होने का रीज़न ही मेन रीज़न है कि मैं कभी मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ इस फिल्म के ऊपर, मतलब इस फिल्म का कब अनाउंसमेंट होगा कब, लेकिन इसलिए मुझे इतना आइडिया भी नहीं था इस फिल्म के बारे में। लेकिन अभी फुल फैक्ट के साथ इस वीडियो में आया, एंड वो फैक्ट कितना परसेंट सही होगा उसके गारंटी नहीं दे सकता मैं, बस इतना बोलूँगा कि जब भी होगा क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सो जो फिल्म सबसे पहले नेक्स्ट फिल्म है SRK की, वो ऑब्वियसली पठान है, एंड YRF इज़ नॉट अनाउंसिंग द फिल्म एज ऑफ नाउ। YRF कब अनाउंस करता है, कौन से दिन अनाउंस करता है, सारे फिल्म को एक साथ अनाउंस करता है, टीजर के साथ अनाउंस करता है, व्हाटएवर दे आर डूइंग दैट इज़ डिफरेंट, एंड दिस फिल्म इज़ डिफरेंट। दिस ये फिल्म सुनने में मेरे को आया है कि ये कन्फर्म है नहीं है, मेरे को नहीं पता। ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर है, करण जौहर के फिल्म के प्रोडक्शंस के अंदर, दे आर द को प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। को प्रोड्यूसर्स मतलब मेन प्रोड्यूसर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ही होने वाली है इस फिल्म की, एंड द सेकंड प्रोड्यूसर्स आर धर्मा प्रोडक्शन। ओके लिव जन, जितना भी ये चल रहा है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन द डायरेक्टर अटली, वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट हिम, वो सब कुछ मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि क्या है, पूरा A to Z बताऊंगा क्या है, क्या रीज़न है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या प्रॉब्लम है इस फिल्म के साथ, सब कुछ। अब डिस्कस करते हैं ये फिल्म अनाउंस कब हो सकती है एंड रिलीज कब तक हो सकती है मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से। और अनाउंसमेंट और यू नो शूटिंग का डेट कुछ दिसंबर के महीने में आया, आई गेस 5 से लेके 15 के बीच में ये डेट के अंदर ही शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। दिस पीपल्स आर गोइंग टू टेक मैनी एक्टर्स फ्रॉम साउथ, और म्यूजिक डायरेक्टर देर आर 2 डायरेक्टर्स इन द लिस्ट। एक माय फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट तमिल साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर जो कि मतलब ये बहुत बड़ा एक लेजेंड है, ही इज़ नन अदर देन अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बहुत लोग जानते होंगे, वो मास्टर का BGM उसने किया है। ये जो कोलावरी सॉन्ग फुल दैट व्हाट इज दैट मूवी नेम मर्सल आई गेस मर्सल बिगिल 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 मर्सल, ये सब मैक्सिमम जो ब्लास्ट ब्लास्ट म्यूजिक्स है वो सब अनिरुद्ध का रहता है। बहुत सारे फिल्मों का म्यूजिक, आई गेस कैदी का म्यूजिक भी उसका है, कैदी का म्यूजिक भी उसने ही मतलब कंपोज किया है। एंड द सेकंड गाय, ये दो लोग के बीच में ये फिल्म का मतलब हाईलाइटेड चल रहा है, दैट इज सेकंड वन इज नन अदर देन अवर लेजेंड AR रहमान सर। अगर इसमें से एक भी बंदा इस फिल्म में घुस जाता है तो द म्यूजिक, आई पर्सनली फील ये मेरा फेवरेट के हिसाब से मैं बोलूँगा, आई एक्सपेक्ट अनिरुद्ध टू यू नो कंपोज द म्यूजिक फॉर सुपरस्टार SRK एंड अटली कॉम्बिनेशन। तो उसके अलावा देखा जाए तो ये फिल्म का जो जब स्टार्ट होगा ये दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर या तो जनवरी के महीने में ये होगा, और ये फिल्म भी 2022 रिलीज़ है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए 2023 रिलीज़। मैंने पहले भी बोला था 2022 रिलीज़ है, 2023 रिलीज़ होगी तब जब मेरा फैक्ट मेरा बोला हुआ बात सही होगा कि नेक्स्ट फिल्म ही विल शूट अ राजकुमार ईरानी फिल्म। जो फैक्ट्स आ रहे हैं, फैक्ट्स और सब कुछ यही बोल रहा है कि ये फिल्म ही सेकंड शूट होने वाली, मतलब सेकंड फिल्म होगी जो शूट होगी पठान के बाद। लेकिन दिमाग दिल सब कुछ एक ही बात बोल रहा है, द नेक्स्ट फिल्म आफ्टर पठान इज नन अदर देन राजकुमार ईरानीज फिल्म। अगर वो शूट होती तो दिस विल बी ए 2023 रिलीज। इवन द राजकुमार हिरानी फिल्म विल ऑल्सो बी अ 2023 रिलीज। 2023 में दो फिल्म आएगी एक साथ, अगर जो मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बींग अ सुपर स्टार हैविंग ब्रेन हैविंग नॉलेज लाइक एनी थिंग, तो मैं समझता हूँ कि इफ ही इज बैक द लॉयन इज एक्चुअली बैक देन ही विल थिंक एवरी थिंग विद परफेक्शन। द परफेक्शन इज वॉट
दैट ही विल कंसिडर राजकुमार हिरानी फॉर द सेकेंड फिल्म आफ्टर पठान. पठान के बाद उनको ही कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि पठान इज स्टिल अ रिस्की फिल्म. वो क्यों बताएंगे बाद में, ये तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बोर मरेगा. स्टिल अ रिस्की फिल्म क्योंकि अगर उसके बाद अगर वो डिसबैलेंस होती है तो ही डोंट एक्चुअली हैव अ चॉइस. ही शुड गो विद द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, द बेस्ट. वहीं से एक ट्रैक बैकअप होगा, एक सब कुछ रोड में सब कुछ मतलब ट्रैक पे आएगा एंड ही कैन अगेन कंटिन्यू हिज लीगेसी. तो आई बिलीव आफ्टर पठान, इफ पठान इज ब्लॉकबस्टर, आई क्यों खराब क्यों सोचना, इफ इट इज अ ब्लॉकबस्टर ऑल्सो देन ऑल्सो ही हैव टू गो विथ राजकुमार हिरानी बिकॉज कंटिन्यूसली गिविंग अ टू एक्शन पावर पैक फिल्म विल बी लाइक मजा नहीं आया. यहाँ एक्सपेक्टेशन पब्लिक का इस बंदे से इतना ज़्यादा है कि शायद ऊपर वाला भी उतना एक्सपेक्टेशन इनका पूरा नहीं कर सकता. क्यों सारा एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर ही आता है आई डोंट नो, सच में मुझे नहीं पता. तो अगर अटली की फिल्म नेक्स्ट शूट होती है, नेक्स्ट फिल्म एक्चुअली में नेक्स्ट फिल्म ही है, मेरी बात सही नहीं होती है, नेक्स्ट फिल्म ही है, राजकुमार हिरानी की फिल्म नहीं है अगली, तो अटली फिल्म विल बी है 2022 रिलीज फॉर श्योर शॉट. क्योंकि वो फिल्म को बनने में सिर्फ तीन महीने लगेंगे या दो महीने, शूटिंग सीक्वेंसेस होगी, बाकी सारा VFX ही होगा. रेड चिलीज इन्वॉल्व है तो 100% VFX ही होने वाला है वो पूरी फिल्म में. एंड अगर राजकुमार हिरानी की जैसा कि मैंने पहले बोला, देन समझ लेना कि ये दिसंबर में भी इसका शूट नहीं होगा, ये 2023 में आएगी और राजकुमार हिरानी वाली भी 2023 में आएगी. एंड शूटिंग का जितना फैक्ट मतलब जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो तो यही है कि दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में अटली की फिल्म शूट होने वाली है. तो उससे पहले क्या होता है, या कुछ जगह से मेरे को ये भी सुनने में आया, सही है गलत है मेरे को नहीं पता, कि एट ए टाइम दोनों फिल्म की शूट होगी, एट ए टाइम, ये और ये दोनों, RKH की फिल्म एंड ये अटली की फिल्म, अटली कुमार की फिल्म, दोनों फिल्म एक साथ शूट होगी. मैंने अटली और SRK को 2019 अप्रैल में सेकेंड को मैं मैच देखने गया था, उस दिन मैंने उनको फॉलो किया बाइक में, वो दोनों एक कार में थे. ही लेफ्ट हिम टू व्हाट इज दैट होटल नेम, हयात, हयात होटल में छोड़ कर वो बंदा एयरपोर्ट के लिए निकल गया. वो वीडियो तुम लोगों ने देखा भी होगा मेरा, वो बंदा अटली को छोड़ कर वो निकल गया. दैट डे आई हैव सीन देम फॉर हाफ एन आवर डिस्कसिंग समथिंग. वो पूरा एक ऑफिस के अंदर वो लोग डिस्कस करके वहाँ से बाहर निकल रहे थे, सब कुछ और उनके साथ पूरी टीम थी और वहाँ से वो लोग सीधा स्टेडियम गए. वी वेर फॉलोइंग देम सिंस 4 o'clock आई गेस, जब वो चेन्नई आए थे. तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिल्म तो कन्फर्म ही है, पकड़ लो, मैं कुछ भी बोलूँ, ड्रॉबैक है नहीं है वो फ़र्क नहीं पड़ता, फिल्म कन्फर्म है अटली कुमार के साथ. एंड फिल्म 2023 रिलीज़ होगी अगर जैसे कि मैंने कंडीशंस बताए. एंड देखते हैं, फिल्म ब्लॉकबस्टर है नहीं ब्लॉकबस्टर है, क्या ड्रॉबैक है, दैट आई विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो. क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मुझे क्या होगा अटली कुमार से, ही इज़ फ्रॉम माई कॉलेज गाइस. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब.